करने वाले हैं जॉर्डन। आता अपन ऑन द वे टू डांडेले आहोत। आई होप कि कुछ हुआ नहीं है और वो लोग आ जाएंगे वापस, बिकॉज इट्स बीन वेरी लॉन्ग टाइम एंड दे आर मिसिंग। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कल्याणी और आज मैं बात कर रही हूँ मेरे घर से, यानी मिरज से, जो कि मेरा होम टाउन है। मैं यहाँ आई हूँ मेरे एक दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए, और उसके पहले हम लोग एक शॉर्ट ट्रिप करने वाले हैं, बट वो हम कल स्टार्ट करेंगे। सो आई एम ऑल ड्रेस्ड अप एंड आई एम ऑल रेडी एंड आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स टू कम हियर एंड पिक मी अप। हम लोग अभी निकलेंगे, आई गेस 5:30 बज ही जाएंगे, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 5:20। हमें कोल्हापुर पहुंचना है, हमने कोल्हापुर से इनोवा बुक की है, सो वी विल कंटिन्यू द ट्रिप फ्रॉम कोल्हापुर। एंड 5:30 ये लोग आ गए फाइनली और हम लोग निकल चुके हैं। एक नंबर मोरिया मोरिया, हम बैक बेंचर्स हैं। आता ड्राइवर भेंडी फ्राई, मसाला फ्राई, आलू फ्राई, एक नंबर। मास्क का अच्छा उपयोग किया जा रहा है यहाँ पे। सकाळपासून आपण व्लॉग करून खूप दमलो आहोत, आता आपण ऑन द वे टू डांडेले आहोत आणि आता थोड्या वेळेचा मी ब्रेक घेतोय, परतच भेटू थोड्याच वेळात, स्टे ट्यून आणि बाकी समजून बघा। तो अगले 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे रिसोर्ट पे। हम कौन सा रिसोर्ट जा रहे हैं बाय द वे? डांडेली, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड रिसोर्ट डांडेली। ग्रीनलैंड जंगल स्टे डांडेली। We reached and now we are having lunch. So we just finished lunch और अभी हम लोग water sports करने जाने वाले हैं। They just asked us कि carry one set of clothes, so हमने वो carry किया है और हम जाने वाले हैं अभी। 3-4 games है शायद water sports, तो अभी हम लोग बस car लेंगे और car से ही जाना पड़ेगा आगे, क्योंकि जहाँ पे water sports होता है वो जगह यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। सो अभी हम लोग गाड़ी लेंगे, गाड़ी से 15 मिनट लगेंगे हमें वो स्पॉट तक जाने के लिए। ऑल सेट फॉर वाटर स्पॉर्ट्स। यहाँ पे कायाकिंग, बोटिंग, ये कुछ जॉर्बिंग और 4 टाइप के वाटर स्पोर्ट्स करने मिलेंगे। अभी हम लोग कर रहे कायाकिंग खेत की। We are trying to figure it out. हम लोग बार बार टर्न हो रहे। मुझे तो मजा आ रहा है वाटर स्पोर्ट्स करने में। कायाकिंग एक्सपीरियंस वॉज लिटिल वियर्ड, मतलब हम लोग को वो टेक्निक समझते समझते लेट हो गया। मतलब पता नहीं, हमारी बोट सिर्फ राइट के साइड ही टर्न हो रही थी, संभव मी एंड किट की मैनेज। हमने जैसे तैसे 15-20 मिनट का राइड कंप्लीट किया, बाद में हाथ दर्द देने लग गया, तो हम लोग वापस आ गए। तो अभी हमारे साथ सीन ये हुआ है कि हम 8 लोग हैं, हमारे 3 कायाक वापस आ चुके हैं और 1 कायाक मिसिंग है, जिसमें हमारे 2 फ्रेंड्स हैं, और हमें पता नहीं है कि वो है कहाँ। सो वी जस्ट टोल्ड देम कि भाई हमारे 2 बंदे हैं, उनको प्लीज़ ढूंढो, अगर वो कहीं फंस गए हैं, उनकी कायाक अगर पलटी हुई है तो प्लीज़ उनको वापस लेके आना, क्योंकि हमारी ऑलरेडी 1 कायाक पलटी हो चुकी थी, लेकिन एक बंदा वैसे ही तैर के आ गया, दूसरा बंदा बेचारा कायाक को सीधा करके बैठ के उसको लेके आ गया था एज तक। तो वैसा ही कुछ अगर इनके साथ हुआ है तो आई होप कि कुछ हुआ नहीं है और वो लोग आ जाएंगे वापस, बिकॉज इट्स बीन वेरी लॉन्ग टाइम एंड दे आर मिसिंग। दीज टू आई डोंट नो, रोमांटिक ड्राइव पे चले गए थे शायद कायाकिंग करते करते। व्हाट यू गाइस वर डूइंग? बहुत ही पीसफुल प्लेस था वो,
बहुत ही पीसफुल जगह था। इसका मीनिंग ये नहीं है कि तुम 2-2.5 किलोमीटर अलग जाके वहाँ पे से फैल के पड़े रहोगे कायक पे। टारगेट था कि वो कॉर्नर क्रॉस कर रहे थे, वो कर नहीं पाए। करने वाले स्टार्ट। आगो जी। कम ऑन स्टैंड अप। Too much fun is going on. Hello, hello. The bus leaving out. So we are done with the other activities. हमने वो जिप लाइनिंग नहीं किया, वो छोड़ के हमने बाकी सब एक्टिविटीज़ कर ली और अभी लास्ट बाकी है रिवर राफ्टिंग जो हम लोग अभी जा रहे हैं। एंड वी आर सो एक्साइटेड फॉर इट क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है रिवर राफ्टिंग का एंड इट्स लाइक स्केरी बट इट्स फन। वेलकम टू काली रिवर राफ्टिंग, रेडी टी? चलो फॉरवर्ड, फ्रंट टू बैक फॉरवर्ड। ओके स्टॉप 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 Stop, get on, get on, get on. Camera man. Okay, get back, get back. Okay, stop, get on, get on, get on. बोर्ड के पास आओ, बोर्ड को पकड़ो। अब तो अब छोड़ दो इधर। चले स्टॉप एंड गेट आउट। We are done with the water sports today. It was amazing experience. River rafting was the best. That was my favorite, I guess. हमने सब वाटर स्पोर्ट्स किए एक्सेप्ट जिप लाइनिंग। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओमकार? हाउ वाज इट? मस्त, भारी। पानी पानी अच्छा था, बहुत सारे पत्थर देखे नीचे जाके पानी में। हम लोग डर गए थे बहुत, हम लोग का सीधा बाद में दिख गया था वो ऐसे ऊपर आते हुए। और अभी हम लोग गर्म चाय पी रहे हैं, बहुत ठंडी हो चुकी है, बहुत भीग चुके हैं ठंडे पानी में। और अभी हम लोग चाय पियेंगे और फिर रिसॉर्ट पे जाएंगे और हमारा ये बॉनफायर रेडी हो रहा है। दिस इज सो मच फन, बहुत अच्छा ठंडा है यहाँ पे, इट्स वेरी कोल्ड। गुड मॉर्निंग, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं नेचर वॉकिंग के लिए। मतलब ये 3 किलोमीटर का शायद ऐसे ट्रैक होगा, हाइकिंग काइंड ऑफ। उसमें वो लोग स्प्रिंग वाटर वॉकिंग भी कराएंगे, बर्ड वॉचिंग होगा। इट्स गोइंग टू बी लाइक एन आवर, 1.5 आवर काइंड ऑफ हाइकिंग। लोग सुबह सुबह उठ के आए हैं। ये है हमारे गाइड मंजुनाथ। हनी वी बॉक्स यू आर गोइंग टू चेक। नरेश जी हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाले है। कहते हैं सुपर फ्रेम कहते हैं इसको यहाँ पे। ओके, ये उनका बैंक है। हाँ। ये इनका फैमिली है। ओके एक एक क्वीन एवरीडे
3000 एक्सपेक्ट कर 24/365 रेस्ट ही नहीं करेगा। क्वीन नहीं है ये, मेल कहते हैं। ओ ये इसका काम क्या है, वो तो मीटिंग के लिए इसके साथ वो मेल बीज है वो मीटिंग करवाते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं एंड द अदर्स आर ओनली वर्कर्स। वर्कर्स मतलब ये वर्कर्स में से ही एक कोई क्वीन बन जाती है क्योंकि एक्स टाइम पर टाइम उसको फर्स्ट फाइला ब्रीडिंग राजशाही रसा बनाएगा। ओके ओके वो क्वीन हो जाएगा। करेक्ट। 15-20 केजी ये एक बॉक्स से साल में। So, हम लोग रह रहे हैं ग्रीनलैंड जंगल स्टे रिसोर्ट में दांडेली में और यहाँ पे हम 1500 पर हेड के पैकेज से रह रहे थे जिसमें बहुत कुछ इंक्लूडेड था जैसे कि कल का लंच डिनर और आज सुबह का नाश्ता विथ टी एंड स्नैक्स। उसके साथ इन्होंने हमें फ्री वाटर स्पोर्ट्स भी दिए थे जिसमें कायाकिंग जिप लाइनिंग जॉर्बिंग ये सब वाटर स्पोर्ट्स इंक्लूडेड थे। बस रिवर राफ्टिंग इंक्लूडेड नहीं था, उसके लिए हमने सेपरेटली पैसे पे किए थे 500 रुपीज ईच। सो इट वॉज नॉट दैट एक्सपेंसिव बट द एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। 3 किलोमीटर का एक हमें सुबह ट्रैक कराया तो दिस इज़ लाइक द बेस्ट ऑप्शन इफ़ यू आर सर्चिंग समथिंग टू स्टे ओवर फॉर अ वीकेंड। आप यहाँ पे आ सकते हो, बहुत ठंडी जगह है यहाँ पे, यू फील लाइक क्लोज टू नेचर। वी गॉट दिस टेंट्स। ओके सो वी वर स्टेइंग इन टेंट्स, वी वर 8 पीपल एंड वी गॉट 4 tents. अगर दांडेली साइड आ रहे हो तो दिस इज अ राइट प्लेस टू स्टे बिकॉज बहुत बजट फ्रेंडली है, उसमें बहुत चीज़ें आपको इंक्लूडेड मिलेंगी और एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। और यहाँ पे इनकी डॉर्मिटरीज भी है, रूम्स भी है, टेंट्स भी है। सो यू कैन गो फॉर योर ओन ऑप्शन, आपको जैसे भी आपके कम्फर्ट के हिसाब से बुक करना है आप बुक कर सकते हो। दे प्रोवाइड साइकिल्स ऑल्सो फॉर साइकिलिंग, देर आर वॉशरूम्स हियर इन साइड। This is dining area जहाँ पे food serve करते हैं। And there is kitchen upstairs. Actually the food here is also amazing. ये लोग veg non veg दोनों food provide करते हैं। आपको बस पहले बताना होता है आप veg खा रहे हो या non veg खा रहे हो। So our holiday here is done. It was amazing weekend. Thanks to Naresh. Thank you. He's the guy, if you want to come here, he's the guy you should be doing any kind of contacts. I'll be providing all the details in description box. So please go check it out. Call him and enjoy the weekend here. It's amazing property, amazing food, amazing facilities, amazing people, very welcoming. So you should come here. Roshan-cha lagna-madhe tumcha sarvanche saharsh swagat. Congratulations! Thank you. So right now we are in Hubli and we are attending our classmates' wedding, जो कि अभी हो चुका है but यार बहुत लंबे चल रहे हैं इनके विधि तो। इसके बाद हम लोग लंच करेंगे और हमारा 3 बजे तक यहाँ से निकलने का प्लान है। जस्ट हम लोग वापस होटल पे आ गए, शादी मस्त हुई, खाना अच्छा था। यहाँ से हमें 1 घंटे में निकलना है घर के लिए। So we are done with the whole weekend and now we are just like eagerly waiting to go home. अभी हमारी body जवाब दे रही है, like inch and inch is paining now, the hands, the legs, वो river rafting और वो सब जो मज़ा था ना वो अभी पता चल रहा है। I hope you enjoyed watching the whole vlog. So we are just like packing our stuff and leaving from here.